बिहार के तकरीबन सभी जिलों में भले ही सेब के दाम आसमान छू रहे हो, लेकिन मुजफ्फरपुर में ग्रामीणों को 15 लाख की कीमत वाले सेब फ्री में मिल गए। क्या कुछ पूरा मामला है यह हम आपको विस्तार से बताते हैं। जिले के सकरा थाना क्षेत्र के रूपन पट्टी चौक के पास रविवार की देर रात अनियंत्रित ट्रक पलट गई। ट्रक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से बिहार के बरौनी जा रही थी। ट्रक पर सेब के कुल 480 कार्टून लदे थे। ट्रक पलटने के कारण चालक और उपचालक गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा उपचार के लिए सकरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सुबह होते ही ग्रामीणों ने जब सेब के कार्टून को बिखरा पड़ा देखा, तब उन्होंने उसे लूटना शुरू कर दिया। दर्जनों ग्रामीणों ने लगभग 100 से भी ज्यादा सेब का कार्टून लूट लिया। स्थानीय लोगों के द्वारा सकरा थाना की पुलिस को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सेब लूट रहे ग्रामीणों को खदेड़ डाला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कहां से आ रही थी? गाड़ी आ रही है सहारनपुर मंडी से। अच्छा, तो ये कहां जा रही थी? यहां पे जा रही थी, बरेली बरौनी। बरेली बरौनी। हाँ। एक चीज बताइए, इसमें जो कार की गाड़ी कहां पलटी खाई? गाड़ी पलटी खाई है यहां पे थाना पे, सकरा थाना क्षेत्र। अच्छा, तो ये गाड़ी में क्या लोड था? सेब लोड था। कितने लाख की? 15 लाख का सेब। तो क्या है, कितने बजे ये घटना हुआ? 1 बजे करीब में घटना हुआ। 1 बजे घटना होने के बाद जो है क्या कुछ यहाँ लूटपुट भी हुआ? 200 पेटी लूट हुआ है। 200 पेटी? हाँ। तो 200 पेटी जो लूट हुआ है उसका वीडियो बना हुआ? हाँ, वीडियो बना हुआ है। और एक टेम्पो नंबर? हाँ, भी है शायद। नंबर भी है, मोटरसाइकिल नंबर है, पिकअप नंबर, तीन से गाड़ी से माल जा रहा था। तो क्या सकरा थाना के प्रशासन द्वारा यहाँ मददगार नहीं मिला? तो वह कितना पेटी सकरा थाना ले गए? सकरा थाना वो ही बोल रहे थे कि मेरे को दे दो कुछ, तो 6-7-8-10 पेटी ले गए। 10 पेटी ले गए। उसके अलावा 200 पेटी पूरे ग्रामीण गाँव वाले ले गए। अच्छा, इसका ड्राइवर और चालक का क्या हाल है? ड्राइवर भर्ती है। भर्ती है? हाँ। और खलासी? खलासी सही है, वो सही है। हाँ, क्योंकि गाड़ी राइट साइड में पलटी हुआ है। तो पर ये एकदम सकरा थाना के कुछ ही दूर में आपकी गाड़ी पलटी खाई। हाँ। और 200 पेटी हाँ, माल लुटा गया, तो इस पर क्या कहना है? तो आप बताइए सर, हम सब कुछ बता ही दिए हैं, क्या कहना है? प्रशासन को भी फोन किया, 200 बार फोन किया है। 200 बार किए तब सुने? हाँ, तब सुनवाई दिया, वो भी 6 बजे माल लूट जाने के बाद। आपका क्या नाम हुआ? अखिलेश चौहान। अखिलेश चौहान। चौहान कहाँ के रहने वाले हैं? देवरिया जिला। देवरिया। मालिक का नाम है पवन चौहान, वो मेरा बड़े भाई है। बड़े भाई। वही पूरे मामले पर सकरा थाना अध्यक्ष राजू कुमार पाल ने बताया कि अहले सुबह एक अनियंत्रित ट्रक गड्ढे में पलट गई, उस पर सेब लदा हुआ था। चालक और उपचालक जख्मी हो गए हैं, दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसके साथ ही पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। डैश न्यूज के लिए मुजफ्फरपुर से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।